जिसका डर था वो हो ही गया। किसानों की आड़ में देश के सम्मान से खिलवाड़ साजिश गैंग ने कर ही लिया। तलवार, परछा, भाले, घोड़े, लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोली, उपद्रव, बवाल, लाल किले में विद्रोह, हर वो शब्द लिखा जा सकता है जो अच्छे लोकतंत्र के नाम पर धब्बा होगा। वजह केवल एक, साजिश। हल पकड़ने वाले हाथों में विरोध के नाम पर हथियार पकड़ा दिया गया और दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई। लोकतंत्र की मर्यादा के बैरिकेड तोड़कर फेंक दिए गए। जिन रास्तों पर सहमति के दस्तखत हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी गई और सब केवल और केवल 26 जनवरी के दिन देश को बदनाम करने की साजिश के लिए। अराजकता की ये तस्वीरें शर्म महसूस कराती हैं। लोकतंत्र ने इसकी इजाजत कभी नहीं। सरकार ने ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी थी, गुंडागर्दी की नहीं। लेकिन दिल्ली आज फिर अराजक गैंग की साजिश का शिकार हो गई। साजिश गैंग का अगला निशाना संसद है। जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन एक तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे, बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं यहाँ रुकेंगे वो लोग। विपक्ष मासूम किसानों के हाथ में हथियार पकड़ाने से गुरेज नहीं करता, तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा किसान ही हमारा जवान है, हमें जवानों की जरूरत नहीं। इफ यू यूज इंडियाज लेबरर्स, इंडियाज फार्मर्स, इंडियाज वर्कर्स, यू विल नॉट नीड द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू बी स्टैंडिंग ओवर देयर। साफ है, वैसी ही साजिश जैसी नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर रची गई थी। तो क्या किसानों के नाम पर फिर देश विरोधी गैंग ने अपना खेल खेला है? गणतंत्र पर तलवार तंत्र वाली साजिश किसकी?